नमस्कार, कॉफी विद हिसार टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और आज हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु और जिन्होंने हाल ही में एनएलओ पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हुए बीजेपी का दामन थामा है, ऐसे डॉक्टर अविनाश चावला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक कुलगुरु राजनीति के क्षेत्र में क्या कर रहा है। हाँ, कुलगुरु राजनीति क्षेत्र में इसलिए आने का प्रयास करता है कि देश जो राजनीति के चलाते हैं उसमें अगर पढ़ा लिखा भी व्यक्ति बीच में आता है जिसका एक्सपीरियंस होता है, पढ़ाने का भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी होता है, और उस एक्सपीरियंस को देख के उसके अपने साझा करते हुए अगर वो राजनीति में आता है तो मैं समझता हूँ अधिक सक्सेसफुल हो सकता है। चावला जी, ये बताइए कि आज की जो हम बात करें हरियाणा की राजनीति की, बीजेपी का आपको लगता है कि 2014 की जो हवा है अभी भी बरकरार है? मैं ये मान के चल रहा हूँ, जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि मेरा कई बार लोगों से बातचीत भी होती है, हर तरह के वर्ग से बातचीत होती है, तो ये महसूस कर रहा हूँ कि यही स्पष्ट बात सामने आ रही है कि जो अगला चुनाव आ रहा है 2019 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही सत्तारूढ़ होगी। आप इतने सालों से हैं, अभी हरियाणा की हर पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यप्रणाली को आपने बखूबी देखा है, समझा है, जिया भी है, आपको क्या लगता है कि कितना हर सरकार, जो कांग्रेस की सत्ता हो या एनएलओ की हो और भाजपा, कितना आप फ़र्क मानते हैं? मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने अपने कार्यप्रणाली जब भी मेरी रही, चाहे मैं स्टूडेंट था, चाहे मैं टीचर था, चाहे मैं प्राचार्य रहा और मुझे कुलगुरु बनने का भी मौका मिला, जो मैंने देखा विभिन्न सरकारों का कार्यप्रणाली भी देखी, उनका काम करने का तरीका भी देखा, तो मैंने ये पाया कि जो ये सरकार वर्तमान में है, जिसको मैं 3-4 साल से अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इनके काम करने का तरीका, इनकी जो देरी हो सकती है किसी कार्य में, लेकिन लोगों को साथ चलने का तरीका, 36 बिरादरी की बात करते हैं तो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, ये एक अनूठा सा एक्सपीरियंस है मेरा, जिसके कारण मैं आकर्षित हुआ और मैंने इनके साथ जुड़ा। अभी कांग्रेस पार्टी की बात करें सर, कांग्रेस पार्टी ने भी तो कहा है 10 साल तक राज किया है, उससे पहले भी राज किया, क्या आप कांग्रेस पार्टी में कोई विकास नहीं हुआ? मैं ये कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से, जो आप बात आप कह रही हैं, और मैं ये कहता भी हूँ कि अगर कांग्रेस ने राज किया, क्योंकि ये कहा जाता है कि कांग्रेस ही रही हमेशा, उसके बाद दूसरी सरकारें तो बहुत कम समय के लिए आई हैं, तो कांग्रेस का जो राज है ये कहना तो मैं नहीं उचित मानता। कांग्रेस के राज में विकास हुआ, आज अगर देश आगे चला, आज अगर देश सुदृढ़ हुआ, आज अगर देश में कहीं विदेशों में इसका नाम है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि कुछ काम कमियां पाई गई, खामियां हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के वर्ग हो या कोई भी सरकार जो पहली थी, उनकी सरकारों में काम हुआ, इनिशियल काम हुआ, तभी देश आगे बढ़ा है। चलो जी, ये बताइए कि ऐसे आप जो सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं, जब आप रिटायरमेंट हुए तो उसके बाद से आपका जो सफ़र है वो कैसा रहा, किन किन क्षेत्रों में आपने कार्य किया और अभी भी बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ऐसा है कि जब मैं अपने किसी भी कार्य में व्यस्त रहा, चाहे वो सरकारी सेवा हो चाहे यूनिवर्सिटी की सेवा हो, तब तो मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं समाज के बीच में जा सकूँ। ये तो ठीक है कि मैं छात्रों के बीच में गया, स्टूडेंट्स के बीच में गया, मैं कल्चरल जो फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स की कार्यकलाप होते हैं, उन सब में तो मैंने एक्टिव रोल लिया और अपने छात्रों के हित में जो भी कार्य होते थे वो किए, लेकिन जब आप एक समाज में आते हैं तो उसमें सिर्फ छात्र नहीं होते, उसमें वरिष्ठ नागरिक भी होते हैं, उसमें और भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को ठीक तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं आज वरिष्ठ नागरिक फोरम जींद का प्रधान हूँ 5 साल से, मैं वरिष्ठ नागरिक काउंसिल हरियाणा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए तत्पर रहता हूँ, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग लेकर विभिन्न विभिन्न जो कार्य हैं जो समाज के हित में, उनमें हम रुचि रखते हैं। इसी तरह का एक कार्य मैं और करता हूँ जिसको मैं चेयरमैन हूँ, CLG कम्युनिटी लाइजन ग्रुप, के अगर हमारे मुकदमे पुलिस में थाने में ना जाकर कोर्ट में ना जाकर उन मुकदमों को हम खुद सुलझा सकें अपने सहयोग से, उनके साथ बातचीत करके समझौते के साथ, तो ऐसे कार्य में हम सक्सेसफुल हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ 95% सक्सेस है हमारे जींद की CLG यूनिट 95% सक्सेस पे चल रहा है और हम उन लोगों को उनका पैसा बर्बाद नहीं होने देते, वकीलों को पैसा नहीं देना,
कोर्ट में नहीं जाते, थाने में जो बातें होती हैं उनसे अलग कर दिया और हम उनका समझौता करवाते हैं सीएलजी के माध्यम से। मैं भारत विकास परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ, उनके कार्यक्रम भी बहुत अच्छे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। उन कार्यक्रमों में मेरी पूरी रुचि है, मैं उनका काउंसलर हूँ, एडवाइज़र के रूप में काम करता हूँ, क्योंकि ये मेरे फादर भी इससे जुड़े हुए थे। एक पारिवारिक है कि हम भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो देश हित में है, बच्चों के हित में है, परिवारों के हित में है। चूंकि आपसे जानना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपने काफ़ी कार्य किए हैं, आज हरियाणा में स्थिति कैसी है, क्या आपको लगता है इस मुद्दे पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ, वरिष्ठ नागरिक जो हमारे हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दे आर निग्लेक्टेड। जो हम रोज़ कहते हैं और सुनते भी हैं कि जो बच्चे हैं आज उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनकी सेवा भाव में कमी है, उनसे मिलते नहीं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं और वो बेचारे परेशान होते हैं इस उम्र में। सरकार तो करती है, लेकिन हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी मिलकर उन वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखें जो इस अवस्था में, जो कितनी उम्र के बाद उनको ये कमी खलती है बच्चों की, और वो देखते हैं, सोचते हैं कि कौन उनका आके ख्याल रखे। मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि मेरे जो फोरम है जींद की, हम वरिष्ठ नागरिक जितने भी 80 साल से ऊपर हैं उनके घरों में जाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनका हालचाल पूछने जाते हैं, और सामूहिक रूप में उनका बर्थडे हम अपनी फोरम में भी मनाते हैं, और किसी की कोई प्रॉब्लम घर की हो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक देश की धरोहर हैं, हम उनको संजोएं, उनको संजो कर उनके दुख सुख में सम्मिलित हों। चूंकि आपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम किया और ऐसा माना जाता है एनएलओ पार्टी में थे तब भी आप काफ़ी सारे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते थे और जुड़े हुए थे, क्या कारण था एनएलओ पार्टी से आप बीजेपी में गए? हाँ, मुझे इंडियन नेशनल लोकदल से कोई भी किसी तरह की भी परेशानी नहीं है, ना मुझे कोई उनसे ऐसा लगा कि उनके जो भी उस पार्टी को वरिष्ठतम है लोग हैं उनसे मुझे प्यार आज भी मिलता है, मिलता रहा। लेकिन कुछ उनकी नीतियां जो थीं, जो राजनीतिक कंपल्शंस होती हैं, उनको देखते हुए मुझे लगा कि अगर एक रीजनल पार्टी में आप रह गए इतने सालों से, अगर आप इससे बाहर नहीं आओगे या आप राजनीतिक स्तर पर एक नेशनल पार्टी में नहीं आओगे, तो आपको जो आपकी कार्यप्रणाली है या समाज सेवा की बात है वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का इंटरेस्ट क्षेत्रीय लेवल तक का होता है और राजनीतिक पार्टी का जो इंटरेस्ट होता है वो राजनीतिक स्तर पर पूरे देश के हिसाब से होता है। यानी आपको लगता है कि एनएलओ क्षेत्रीय पार्टी होने के खामियाजा जो भी है, इस वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं इधर से निकल के सीधा बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी कहीं भी हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो किसी और स्टेट में हो, मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है कि उनके अपने इंटरेस्ट वेस्टेड होते हैं। अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो हमारा पानी का मुद्दा देख लो, वेस्टेड है। अपने लेवल पे हम पंजाब का पानी बाहर दे सकते हैं लेकिन हरियाणा को देने के लिए मुश्किल है। अगर आप देखें तमिलनाडु और उधर से कर्नाटक और उनका पानी का विवाद अभी उनका भी चलता है। तो हम क्षेत्रीय मुद्दों को जब लेके चलते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जब वाजपेयी साहब थे तो ये जो सड़कों का जाल बिछाया था, या उन्होंने एक बात कही थी कि नदियों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि पानी तो सबका है, किसी एक स्टेट का नहीं है, और पानी के बिना तो कोई भी इंसान आगे नहीं चल सकता, पानी तो जल जीवन है। तो अगर वो नदियां जोड़ने का प्रयास जारी रहता और उसको कार्य को आगे चलाते, जो कि अब फिर सोचा जा रहा है, जो सरप्लस पानी है उसको आप यूज़ करो, ये तो नहीं है कि फ्लड्स के रूप में वो पानी बह के समुद्र में चला जाता है। तो ये अच्छी प्रपोजल है, ऐसी प्रपोजल राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकती हैं, क्षेत्रीय स्तर पर नहीं हो सकती। एसवाईएल का तो मुद्दा लेके बैठे हैं ना इन्होंने? मैं ये समझता हूँ, इसमें किसी की भी राजनीति हो, एसवाईएल का मुद्दा लेना, कभी कांग्रेस आती है, कभी कोई सरकार आती है, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन मुद्दा एक ही है जो मैंने अभी कहा कि ये तभी साल होगा जब इसको राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको ठीक लेके, जैसा कि अब चल रहे हैं, चाहे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में फैसले में, लेकिन पानी तो अपना है, तो पानी है तो अपनी हर स्टेट को देने में नुकसान क्या है किसी को? मोदी जी और खट्टर साहब ये समस्या क्यों नहीं हल कर पा रहे? ये समस्या वो तो हल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कौन कहे, उनके आदेशों के अनुसार ही होगा जो भी होगा।
आपने जो बीजेपी की नीतियों की आप बात करते हैं, आप कितने प्रभावित हैं मोदी जी से और खट्टर जी से? मैं इसलिए प्रभावित मान के चल रहा हूँ कि हम चाहते थे एक युग परिवर्तन, मैंने देखा युग परिवर्तन इसलिए देखा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि कांग्रेस सरकार का राज भी बहुत रहा और भी सरकारें आईं, लेकिन अगर कोई चेंज आपको नज़र आता है, बहुत सालों बाद चेंज नज़र आया, और वो चेंज क्या था? सबसे प्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा या देश, हम ये चाहते थे कि इट शुड बी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, परिवारवाद मुक्त होना चाहिए, वंशवाद मुक्त होना चाहिए। ये हम हर रोज़ हर व्यक्ति कहता है, पढ़ा लिखा ये कहता है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को कहते हैं लेकिन करते नहीं। और अब मैंने देखा कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, परिवारवाद हो सकता है कि ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है, वंशवाद में भी कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है, हो भी सकता है, समय लगता है। भ्रष्टाचार अगर आप कहें 100% ये बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हुआ। कारण आप देखिए, नौकरियों में पारदर्शिता कहीं ना कहीं दिखाई देती है, दिखाई देनी शुरू हो गई, जो कि ज़रूरी है। अगर हमारा युवा को नहीं लगेगा कि नौकरियों में पारदर्शिता है, तो युवा भटकता है। हम भटकाने से रोक सकते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि नौकरियों में पारदर्शिता आए, चाहे वो इंटरव्यू के मार्क्स कम करो, चाहे वो रिटर्न के मार्क्स करके। अभी ग्रुप डी की जो जॉब्स हो रही हैं इंटरव्यूज़, जो मैं फील कर रहा हूँ, जिसको भी कोई अप्रोच करता है वो हाथ खड़े करता है। कारण क्या है कि सिर्फ एग्जामिनेशन है, पास कर लो तो आ जाओ, मेरिट बनेगी, लग जाओ। दिस इज़ ट्रांसपेरेंसी, और पारदर्शिता से नौकरियाँ मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों में भी और युवा में उत्साह बढ़ेगा। पारदर्शिता नौकरी ग्रुप डी की आपने बात की है, आज नौबत ऐसी आ गई है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में और खट्टर साहब के कार्यकाल में रोजगार की संख्या बड़ी तेजी से गिरी है, और आज 10-15 हज़ार की जॉब के लिए लाखों लोग इंटरव्यूज या टेस्ट दे रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी विफलता है सरकार की? हाँ, ये विफलता सरकार की इसलिए नहीं आप कह सकते कि कोई, मैंने फील किया और मैंने देखा है, जो मैंने डाटा भी पढ़ा अभी पीछे, 26,000 के आसपास तो ये नौकरियां लग चुकी हैं, और 48,000 के करीब पाइपलाइन में हैं नौकरियां जो चल रही हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे लोग अवेयर हैं, कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, कहीं राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये एक्ट्स में लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि एक मिनट में आप इंटरव्यू ख़त्म करते हैं, लोग हाईकोर्ट में चले जाते हैं, चाहे आपने पारदर्शिता दिखाई या नहीं दिखाई। तो मैं ये फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स भी बीच में आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो नौकरियों के लिए इनका प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है कि उनका प्रयास पूरी तरह से हो रहा है। बीजेपी के ही राज्य में सर पेपर लीक हुए हैं, लोग SSC का मुद्दा ले लीजिए, सड़कों पर उतर आया था वो मुद्दा, आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी? मैं ये महसूस करता हूँ कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कह रहे हैं लीक हुआ, मैंने तो सारे राज्य और सारी पार्टियाँ देख रखी हैं। ये लीकेज तो बहुत पहले से चल रही है और इससे ज़्यादा थी। हो सकता है कि मैं इसको फील कर रहा हूँ कि अंकुश है, और अंकुश के साथ मैंने जैसे पहले कहा कि भ्रष्टाचार, अगर आप कहें कि 100% मुक्त हो गया हरियाणा या देश, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार से हम रिलीव्ड हैं और मुक्त भी हो जाएंगे अगर ये बात चलती रही तो, वी विल सक्सीड। इसी तरह से जो आपने बात कही दूसरी, वो भी ऐसा ऐसा समय लगता है हर चीज़ में। अभी तो 4 साल हुए हैं, 5वां साल होने वाला पूरा उनका, कोई समय आगे और मिलेगा उन्हें, जैसे कि लोग चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये इन पे अंकुश लगेगी। बीजेपी की आप पूरी तरह से डिफेंड कर रहे हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों में ये भी चर्चा है कि CM बहुत ईमानदार हैं और वाकई में उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो ये आप एक प्लस पॉइंट मानते हैं क्या कि ये बदल रहा है, जैसा आपने कहा परिवर्तित हो रहा है युग? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ऑनेस्ट हैं, कार्य प्रणाली भी उनकी अच्छी है, क्योंकि जब आप किसी से कंपेयर करते हैं पहले मुख्यमंत्रियों से, उनके एक दो नारे भी जो हम दे रहे हैं, स्लोगन्स हैं कि हरियाणा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, है ना, सबका साथ सबका विकास, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का संकल्प। नंबर 2, ये जो ऑनलाइन सिस्टम चलाया गया है, किस लिए ऑनलाइन सिस्टम है? ऑनलाइन सिस्टम में सारी प्रॉब्लम्स जो होती थी, आप सीट पे जाते थे, आपकी फाइल नहीं चलती थी, फाइल को चलाना है तो भ्रष्टाचार, वो चीज़ें बंद हुई हैं,
रजिस्ट्री करानी है तो भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार मुक्त तो हो रहा है, कितने परसेंट हुआ ये विश्लेषण हो सकता है, ये मंथन है, लेकिन आने वाला समय में इन कार्य प्रणाली से हो सकता है कि हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएं। कांग्रेस अभी फिलहाल जिस प्रकार का मोमेंटो पकड़ के रखी है, जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ या अन्य प्रदेशों में अटैक पे अटैक बीजेपी पे कर रही है, क्या आपको लगता है कि वहाँ की हवा क्या हरियाणा को प्रभावित कर सकती है? देखिए, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड बात तो आपने ठीक कही, राजनीति की बात है, किसी भी सरकार आने से ना आने से जाने से, लेकिन एक अगर हम ये मान के चलें कि हमने नरेंद्र मोदी जी को वापस लाना है तो हर स्टेट में प्रभावित करेगी। अगर लोगों का मन बन जाए कि हमने नरेंद्र मोदी जी को लाना है, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा मन बना हुआ है, और कई बार ऐसा भी होता है कि देश में मन कुछ बनता है, प्रदेशों में किसी तरीके से मन और तरीके से बनता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स चलते हैं, तो उस हिसाब से तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इफ़ेक्ट डेफिनेटली एक स्टेट का दूसरी स्टेट पर होता है, और राजस्थान और इनके जो नतीजे आएंगे उनका इफ़ेक्ट तो होता है, लेकिन अब तक जो मेरी चर्चा होती है या मेरी बातचीत होती है उससे मुझे लगता है, जो मेरा अपना विचार है, कि मोदी साहब को दोबारा, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार दोबारा बने और जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने का उनको मौका दिया जाए। जब 60-60 साल का सरकार चली है, 50-50 साल, तो ये 5 साल में क्यों हम थक रहे हैं, हमें और 5 साल इनको देने चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई काम अधूरे रह गए हैं तो फिर पूछें इनसे कि क्यों अधूरे रह गए। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी आते हैं उनकी सभा में हुटिंग होती है, वो क्या इंडिकेशन करता है? देखिए, हुटिंग होना या ना होना, अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो उनकी दूसरे तरीके की भी होती है, मोदी मोदी भी कहा जाता है, जब राज्य राष्ट्र स्तर पे भी कहा जाता है, विश्व स्तर पे भी कहा जाता है, उनकी उनके लिए तो लोग पागल हो जाते हैं, तो हुटिंग कहीं हो जाती है तो वो तो एक लोकलाइज्ड कार्य हो सकता है। एनएलओ में अंदरूनी विवाद इतना चल रहा है कि आपको लगता है कि ये आगामी चुनावों में एनएलओ पार्टी का अस्तित्व कहाँ रहेगा सर? देखिए, राजनीति और परिवार को हमें अलग कर देना चाहिए। परिवार टूटता है तो दुख होता है, किसी का भी परिवार टूटे, राजनीति एक अलग सा इशू है, और मैं समझता हूँ परिवार टूटता है तो राजनीतिक नुकसान होता है। इसका फ़ायदा क्या कांग्रेस उठाने की फिराक में? इसका राजनीतिक नुकसान का तो कोई भी फायदा उठा सकता है, बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। चावला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जींद उपचुनाव की चर्चा काफ़ी गर्मा गर्म है और इस बीच आपके नाम की चर्चा काफ़ी जोरों पर है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझसे भी पूछा गया था तो मैंने भी कहा था कि वैसे अगर आप लड़ाना चाहें तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि जब सीएम साहब ने मुझे बुलाया था तो यही पूछा था उन्होंने कि अगर आपको मौका दें तो आप तैयार हो जाएंगे, तो मैंने कहा हाँ मैं तैयार हो सकता हूँ, आप कहेंगे तो तैयार हूँ, नहीं कहेंगे तो मैं आपकी पार्टी में आ गया, आपके खेमे में हूँ। क्या जींद के कौन से प्रश्न हैं जो आपको लगता है सुलझाने ज़रूरी है? जींद एक ऐसा शहर है जो नेग्लेक्टेड टाउन रहा, किसी की राजनीति हो चाहे कोई भी पार्टी पावर में आई, जींद को किसी ने इम्प्रूव करने का प्रयास नहीं किया, और ये बात मैं हर जगह कहता भी हूँ कि जींद सेंट्रलाइज्ड प्लेस है, ऐसी जगह जहाँ राजनीति शुरू होती है, राजनीति ख़त्म भी वहीं होती है, पार्टियाँ आती हैं पार्टियाँ जाती हैं, लेकिन जींद की तरफ ध्यान कम दिया गया, और अब जब दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कमी है, ये नहीं है कि पूरी तरह से ध्यान दिया गया, लेकिन अब वहाँ शिक्षा संस्थान भी आ गए हैं, सड़कें तो हर जगह अभी कुछ ख़राब हैं, इनको ठीक करना ज़रूरी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ समय लगेगा, लेकिन जींद के ऊपर अटेंशन और देने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि इस बार चुनाव में बीजेपी, अगर वहाँ पे बीजेपी का कमल खिलेगा? हाँ, मैं तो इस मान के चल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी ये चुनाव में उतारेगी बाई इलेक्शन में, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कमल खिलेगा। और आगामी 2019 का चुनाव क्या बोलते हैं? 2019 में हरियाणा में फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ, इसमें निष्पक्ष वे भी यही कहना चाहता हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और हरियाणा स्तर पर जो यहाँ की सरकार बनेगी उसमें आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी खट्टर साहब फिर मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार चावला जी को पूरा विश्वास है कि आगामी 2019 का चुनाव हो या जींद का उपचुनाव, खिलेगा तो सिर्फ भाजपा का कमल, और आने वाली जो लहर होगी वो भी भाजपा की ही होगी। अगली बार एक नए शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।